हम ट्रेस ज्ञान की सीरीज में आज शुरू करने जा रहे हैं डुविक ओ लेवल के आईटीआई टूल्स एंड बिजनेस एप्लीकेशन के सॉल्व पेपर की सीरीज। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको दिखाना है कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर्स नहीं है प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप nilet.gov.in की वेबसाइट पे आ जाएंगे और फिर यहाँ से आप जो है पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जोन है जहाँ पे आपको कोर्सेज हैं, नॉन फॉर्मल कोर्सेज पे आप चले जाएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएगी। और इन केस अगर आपको ये चीज़ नहीं मिल पाती है, अवेलेबल नहीं है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं इसके लिंक्स अपने इस वीडियो में नीचे डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जुलाई 2010 से पेपर है और जो आपका जनवरी 2018 तक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आज शुरू किया है जुलाई 2010 के पेपर से और इसमें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस ये रहते हैं, आपको उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर अपना पूरा पेपर उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। जिसमें आपका पार्ट वन जो है वो आपका 40 मार्क्स का है, पार्ट टू जो है वो आपका 60 मार्क्स का है। पार्ट वन में आपके चार क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट टू में आपके जो है वो पांच क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से आपको चार करने होते हैं। तो बड़े ध्यान से पेपर आपको करना है और यहाँ पे सबसे अच्छा है कि आप अभी से प्रैक्टिस चालू कर दीजिए मेरे ये सेशन सीखने के बाद से। तो मैं यहाँ पे आती हूँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो जो आपका पार्ट वन है उसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे, मैचिंग भी होगी और फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। तो ये बहुत ही ईजी पार्ट है और अभी भी आप अपनी तैयारी कर लोगे तो जनवरी तक आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। सबसे अच्छा है कि अपने बुक से जो MCQs हैं वो भी आप लास्ट में बुक में जो दे रखे हैं उनको जरूर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए अभी से। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि जो आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है वो क्या है। तो नॉन वोलेटाइल को हम यहाँ पे समझते हैं कि ये क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी या कैश मेमोरी। तो आपका यहाँ पे सही आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि ये रीड ओनली मेमोरी है। लेकिन यहाँ पे ये भी समझना है कि जो हमारी जिसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं उसको हम परमानेंट मेमोरी का भी टाइप है, और जो भी रोम में आपका डेटा संग्रहित होता है वो सिर्फ उसको आप संशोधित कर सकते हैं लेकिन आप उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो आपका रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। और आपको पता होगा कि जो हमारे रोम होते हैं वो हमारे पांच टाइप्स के होते हैं, और ये पांच टाइप्स कौन से हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वो फाइव टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं। वो आपका होता है पी रोम, दूसरा आपका होता है ईपी रोम, ये आपने अपने कोर्स में पढ़े होंगे, और यहाँ पे एक और है आपका डबल ईपी रोम, और लास्ट में आती है आपकी फ्लैश मेमोरी, ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। और दूसरा है आपका पी रोम, यहाँ पे जो आपका पी रोम का जो फुल फॉर्म है और यूज ऑफ पी रोम क्या है। तो रोम जो है चिप्स को पूरी तरह से नया निर्माण समय उपभोक्ता और छोटी मात्रा में बहुत महंगा है। इस कारण से डेवलपर्स एक प्रकार का रोम बनाता है जिसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। उसी के बाद आता है आपका ईपी रोम जो होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये एक प्रोग्राम की जिस की जाने वाली एक आपकी रीड ओनली मेमोरी यानी रोम है जिसे इरेज यानी मिटाया जा सकता है और आप इसको दोबारा से भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा आता है आपका, यहाँ पे नेक्स्ट जो है ये आपका है डबल ईपी रोम एंड फ्लैश मेमोरी। तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में ली जाएंगे ये तो आपका सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा आता है MIDI, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो है MIDI मीन्स क्या होता है, वो है मल्टी मीडिया आपका डिजिटल, या आपका यहाँ पे मल्टी मीडिया इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। इसमें से आपको सही ऑप्शन बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो 1.2 में आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी यानी मल्टी मीडिया इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आपका ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है और ये डिज़ाइन होता है रिकॉर्डिंग और प्लेबैक प्लेइंग म्यूजिक को डिजिटल सिंथेसाइजर जो सपोर्ट करता है पर्सनल कंप्यूटर के साउंड कार्ड्स को भी। तो आपका सही ऑप्शन है सी
इसके बाद आता है परमिशन ऑफ रीड ओनली फाइल इन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड एज। अब जो परमिशन आप देते हैं एक रीड ओनली फाइल को, जिसमें आप कोई एडिटिंग नहीं कर सकते, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब रिप्रेजेंट करने के यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस दे रखे हैं, लेकिन चार ऑप्शंस में से आपका वो ऑप्शन ही दिया है जो इसका एक्चुअल आंसर है। इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आपका है 444, लेकिन यहाँ पे 444 का कोई भी ऑप्शन होता नहीं है, तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी जो 777 है वो रीड राइट एग्जीक्यूट होता है। रीड राइट एग्जीक्यूट यानी आपके ओनर ग्रुप एंड अदर्स के लिए। 111 जो होता है वो आपका होता है एग्जीक्यूट, और सिर्फ एग्जीक्यूट और सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए ओनर ग्रुप एंड अदर्स के लिए। और जो 666 होता है वो आपका होता है रीड एंड राइट, रीड एंड राइट यानी जो आपका ओनर है वो भी रीड एंड राइट कर सकता है, जो आपका ग्रुप है और अदर्स हैं वो भी रीड एंड राइट कर सकते हैं। उसके बाद 222 है लास्ट में, और ये सिर्फ काम करता है राइट और राइट करने के लिए, और ये भी सिर्फ ग्रुप एंड अदर्स या और ओनर के लिए 222 आपका रिप्रेजेंट हम करते हैं। तो इसका एक्चुअल ऑप्शन जो है वो 444 है, और 444 जो होता है यानी रीड ओनली फॉर ओनर है, रीड ओनली फॉर ग्रुप है एंड रीड ओनली फॉर अदर्स है, लेकिन यहाँ पे 4 जो है वो आपके आंसर्स में नहीं दे रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1.4 है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वर्ड डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन होता है वो .doc होता है, और .docx अगर लग जाता, हो सकता है कि आपका आने वाला जो पेपर हो उसमें .docx नहीं लग के आ जाए, तो .docx भी आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो आपका यहाँ पे इस चार ऑप्शंस हैं, असेंबलर है, कंपाइलर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर है, तो वो कौन सा आपका प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको मालूम होगा कि इसमें कंपाइलर जो है वो आपका सही आंसर है। तो जो कंपाइलर है वो एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और इंस्ट्रक्शंस को मशीनी भाषा में बदल देता है, वो हमारा कंपाइलर होता है। तो जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कंपाइलर्स हैं, जैसे टर्बो C++ कंपाइलर है, एक्लिप्स है, और आपका नेटबीन्स है, तो ये सारे जो हैं वो हमारे कंपाइलर्स हैं, और इनका क्या काम होता है ये आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट डेटा मॉडल। तो यहाँ पे अगर हम कोई डेटा मॉडल की बात हम करें, हमारा जो डेटा मॉडल क्या होता है, फिजिकल डेटा मॉडल क्या है, तो यहाँ पे अगर आप एक फिजिकल डेटा मॉडल है, लॉजिकल डेटा मॉडल है, और आपका एक्सटर्नल डेटा मॉडल या आपका एक्सेस के चैप्टर का है, तो डेटा मॉडल्स के आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे, जैसे आपका हायरार्किकल डेटाबेस मॉडल आपने पढ़ा होगा, रिलेशनल मॉडल पढ़ा होगा, नेटवर्क मॉडल पढ़ा होगा या पढ़ने वाले होंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल है, एंटिटी है, डॉक्यूमेंट मॉडल है, स्टार स्कीमा है। तो इस तरीके से आपने ये जो है इसमें से जो आपका सही आंसर है वो आपका ए है, यानी फिजिकल डेटा मॉडल आपका ये सही आंसर है, फिजिकल डेटा मॉडल। तो डेटाबेस मॉडल क्या है, एक प्रकार का डेटा मॉडल होता है जो डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को बनाता है, और मूल रूप से ये अज्यूम करता है, निर्धारित करता है कि किस तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डेटाबेस मॉडल डेटा के विभिन्न हिस्सों के बीच के संबंधों का भी, जो उसके बीच के रिलेशंस हैं उनको भी डिस्क्राइब करता है। तो साधारण अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको कहना चाहते हैं, तो डेटाबेस का मॉडल ही ये डिसाइड करता है कि डेटाबेस का डिज़ाइन किस प्रकार होगा, मतलब कि जो डेटाबेस के मॉडल के को बेस बनाकर ही आप डेटाबेस का जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने का काम करते हैं। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये देखिए इसमें से कुछ एक दो क्वेश्चंस आते हैं बहुत अच्छे से। फिर नेक्स्ट आते हैं आपके 1.7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, आपने रिलेशनल डेटाबेस, ये देखिए ये एक और एक्सेस का क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ रिलेशनल डेटाबेस। तो 1.7
का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा बी, यानी इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेटेड टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटा। तो रिलेशनल मॉडल क्या है, ये आपका एक ऐसा मॉडल है जो ये डिस्क्राइब करता है कि किस प्रकार के रिलेशनल डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। अब एक रिलेशनल डेटाबेस डेटा को टेबल्स के रूप में आप स्टोर करते हैं। टेबल्स जो वो है जो कॉलम्स और रोज का एक आप जानते हैं कि ग्रुप होता है, और जहाँ कॉलम क्या है एक एंटिटी के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है, और रोज जो है रिकॉर्ड्स को आपके सामने मतलब आप देखते हैं उसको। रिलेशनल मॉडल जो है आपने पढ़ा होगा, ई एफ कॉट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, और जो रिलेशनल मॉडल है वो आपकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला डेटा मॉडल है, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है जिससे प्रोग्रामर्स इसमें आसानी से काम कर सकते हैं, तथा ये जो मॉडल है वो डेटा प्रोसेसिंग या स्टोरेज के सभी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा कर लेता है। तो ये आपका फाइल आपका ये जो है ऑप्शन ये सही है, यानी 1.7 का बी है, इट कंसिस्ट ऑफ सेपरेट टेबल्स ऑफ रिलेटेड डेटास। 1.8 पे आते हैं फाइल मैनेजमेंट सिस्टम कैन टिपिकली एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम ओनली वन फाइल एट अ टाइम या मेनी फाइल्स एट अ टाइम या ओनली टू फाइल्स एट अ टाइम या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, यानी जो डेटा होती है वो एक ही समय में एक ही फाइल को एक्सेस करती है। इसके बाद आता है दिस कमांड लेट्स यू व्यू द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल इन डॉस। अगर आपको किसी फाइल के कंटेंट्स को देखना है तो उसके लिए आपको टाइप यानी यहाँ पे इसको ये टाइप करना पड़ेगा टाइप को। तो टाइप कमांड जो होते हैं वो आपके कंटेंट्स ऑफ द फाइल इन डॉस को देखने में मदद करता है। लास्ट क्वेश्चन है 1.10 द इनपुट डिवाइस दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्लेइंग गेम्स ऑन अ प्ले स्टेशन। तो अगर आप गेम्स खेलते हैं प्ले स्टेशन पे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जॉयस्टिक का यूज़ होता है, न कि टच पैनल कीबोर्ड या ट्रैक बॉल का। तो जॉयस्टिक आपकी एक इनपुट डिवाइस है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आता है और आपको लगता है कि ये आपको कुछ यूज़फुल था, तो इसको बिल्कुल लाइक एंड कमेंट या जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं ज़रूर दीजिएगा। और इसके आगे का जो ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स है उसका वीडियो मैं आपको कल अपलोड करूंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।